अब तुम भी अपनी नॉर्मल सी ऐसी फोटो को ऐसा एडिट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर। काफी सारे लोग ये पूछते हैं मेरे से इंस्टाग्राम पर कि भाई तुम अपनी फोटो पीसी के अंदर एडिट करते हो, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी सारी फोटोज है फोन में ही एडिट करता हूँ मोस्टली, जिससे इस टाइम ये वीडियो शूट हो रहा है। अब तुम अपने मोबाइल से ऐसी फिनिशिंग कैसे दे सकते हो अपनी फोटोज के अंदर जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, सिर्फ 3 स्टेप्स मार को फॉलो करने हैं, जिसके थ्रू तुम अपनी नॉर्मल सी ऐसी फोटो को ऐसा एडिट कर सकते हो। सबसे पहले फेस स्मूथ और एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में करेंगे कलर ग्रेडिंग, और लास्ट पॉइंट जो है वो कि हम पीछे सनलाइट ऐड करेंगे जो कि फेक सनलाइट है, वो रियल नहीं है। और हाँ, प्रीसेट और मेरी रॉ फोटोज के लिंक तुम्हारे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए तुम मेरी फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्नैपशॉट ओपन करके अपनी फोटो को यहाँ पे प्लस क्लिक करके और अपनी फोटो को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना। तो सबसे पहले जो हम फोटो को स्मूथ करेंगे फेस को, और जो कुछ यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये चीज हो रही है, तो इसको भी सही करेंगे। अपनी फोटो के अकॉर्डिंग देख लेना तुम। सबसे पहले लाइट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं, तो टूल्स पे जाके ट्यून इमेज पे जाके यहाँ से थोड़ी लाइट एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो जो थोड़ा फेस यहाँ डार्क डार्क लग रहा है, तो यहाँ पे हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा के शेडो पे जाऊंगा, शेडो इंक्रीज करूंगा तो पूरी शेडो यहाँ पे खुल जाएगी। उसके बाद मैं हल्का सा हाईलाइट बढ़ा लूंगा यहाँ पे, मैं सैचुरेशन हल्का से यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा और कॉन्ट्रास्ट को माइनस कर दूंगा, थोड़ा ब्राइटनेस और बढ़ा दूंगा मैं। आप भी देख सकते हो मतलब फेस उतना ज्यादा वो नहीं लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो यहाँ पे मैं टूल्स पे जाऊंगा, यहाँ पे कर्व पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं 3 लाइन बना दूंगा, यहाँ पे 3 डॉट बना दूंगा एक तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे। अब जो हमारे को बीच का एरिया जो मतलब मिड टोन है वही हमारे को यहाँ पे थोड़ा लाइट सही करनी है, तो हम बीच वाले जो है डॉट को उठा के हल्का सा ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो देख सकते हो, और नीचे वाले को उठाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे शेडो यहाँ पे खुल चुकी है पूरी फोटो के अंदर, हल्का सा ऊपर से उठा देता हूँ उसको मैं, और इस तरीके से यहाँ से डन कर देता हूँ। तो बिफोर आफ्टर देख सकते हो शेडो खुल चुकी है। अब क्या करना है, ऊपर जो ये हमारे को दिख रहा है ये गलत दिख रहा है काफी, तो उस पर क्लिक करेंगे, टूल्स पे हीलिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जूम करूंगा थोड़ा सा, और इतने एरिया को मैं ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, तो ये यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ आ रहा हो या फिर कुछ भी गलत लग रहा हो तुम्हारे को, तो उसको तुम रिमूव कर सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, और कुछ है नहीं करना, फेस को स्मूथ, ठीक है। तो टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे लेंस ब्लर पे क्लिक, और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे तुमको ऊपर करोगे तो विग्नेट स्ट्रेंथ को यहाँ पे मैं रखूंगा 0, ट्रांजिशन को भी यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, और ब्लर का जो है इसका रखूंगा मैं 17 पे रख के इसको सर्कल को मैं दोनों हाथ से पिंच करके नीचे की तरफ ले आऊंगा इस तरीके से, और अब हमारे को यहाँ से डन कर देना, ठीक है। पूरी फोटो पर ब्लर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ऊपर हमारे को क्लिक करना है आई बटन के जस्ट बगल में, इस पे क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे जाना है, यहाँ से लेंस ब्लर आ चुका है, तो लेंस ब्लर पे क्लिक करके बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे उसकी ऑपेसिटी आ रही है कितना परसेंट तुम्हारे को रखना है, तो यहाँ पे 100% आ रहा है लेंस ब्लर, यहाँ पे इसको हल्का सा माइनस करके 75 पे रखेंगे, और इसको जूम करके हम पेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को थोड़ा फेस को जो है स्मूथ कर लेना है, मैं फटाफट से कर लेता हूँ। और अगर तुम्हारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेंट हो जाता है जैसे यहाँ हो चुका है, तो इसको तुम्हारे को यहाँ पे 50, 25 और यहाँ पे 0 करके यहाँ पे पेंट कर दोगे तो वापस ही हट जाएगा, तो अभी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो बाकी एरिया पे मैं फटाफट कर लेता हूँ 75 रख के। तो यहाँ से मैंने डन कर दिया, फेस स्मूथ प्रॉपर हो चुका है, यहाँ पे यहाँ से बैक कर लेंगे तो फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है। लाइटिंग सेट करनी है इसके अंदर, ठीक है। जो लाइट डालनी है हमारे को तो वो हम लास्ट में डालेंगे पीछे से सनलाइट यहाँ पे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे जाना है हमारे को, सिलेक्टिव पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, यहाँ पे रखना है एक पॉइंट को, ठीक है। इसका एरिया तुम सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे रेड रेड जो तुम्हारे को दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से इसका एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रेड रेड एरिया हो रहा है, तो इतना एरिया मैं रखूंगा जहाँ की ये शर्ट वर्ट पे भी ना जाए, मेरे कपड़ों पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ब्राइट कर लूंगा, तुमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो ब्राइटनेस को हल्का सा माइनस करूंगा, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करके सैचुरेशन हल्का सा माइनस कर दूंगा, और स्ट्रक्चर को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। इतना रखते ठीक लग रहा है, एक प्लस पे क्लिक करके एक और लेंगे पॉइंट, और मैं रखूंगा इधर की तरफ पीछे, ठीक है। इतना रखूंगा, हल्की सी लाइट यहाँ पे ऐड करूंगा मैं, यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा के कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस कर दूंगा, स्ट्रक्चर को भी माइनस कर दूंगा, तो इस तरीके से एक लाइट ऐड हो जाएगी। प्लस पे क्लिक करके अब मैं थोड़ा मेरा फेस वेस को भी यहाँ से कवर कर लेता हूँ, जो भी डार्क एरिया हो रहा है उसको मैं सेट कर लूंगा, तो इस तरीके से फेस वेस पे ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, तो ये ठीक लग रहा है। हाथ पे भी रख लेता हूँ उसको, बाकी तुम जूम भी करके देख सकते हो उसको, यहाँ पे रख के इस तरीके से हाथ पे एरिया सिलेक्ट किया और ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। प्लस पे क्लिक करके वापस मैं जाऊँगा इधर की तरफ, रखूँगा अब
फेस के यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और फेस का एरिया देख सकते हो इतना ले रहा है, और यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा दूंगा। ठीक है ठीक है, एक बार डन करके देख लेते हैं किस तरीके से हुआ है। तो काफी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो बिफोर आफ्टर काफी अच्छा लग रहा है। अब जो है गर्दन ब्लैक लग रही है थोड़ी सी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे शेडो है, तो इसको भी तुमको रिकवर करना पड़ेगा यहीं से। तो टूल्स पे जाके वापस सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, गर्दन पे क्लिक करेंगे और बाहर टैप करके इसको मैं जूम कर लूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक बार रख लेता हूँ उसको, जैसे यहाँ पे रख लिया, और एरिया सिलेक्ट करके सिर्फ इतना एरिया पे ही हमारे को रखना है जो डार्क हो रखा है वो। इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो देख सकते हो सही हो रहा है, और यहाँ से मैं सेचुरेशन को माइनस कर देता हूँ। ठीक है तो एक बार डन कर लेते हैं, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है पहले से टूल्स पे जाके वापस मैं सिलेक्टिव को जाके यहाँ पे नीचे रखूंगा एक और पॉइंट, और यहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा ब्लैक दूंगा, इधर रख लेता हूँ। ठीक है आई थिंक ये ठीक लग रहा है। ठीक है अब क्या करना है हमारे को, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, अपनी फोटो को यहाँ से सिंपली सेव कर लेना है। ठीक है बाकी का जो प्रोसेस है वो आगे करना है। ठीक है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। तो अब लाइट रूम ओपन कर लेना अपना, और अपनी फोटो को यहाँ पे कलर ग्रेड करना है। तो जो फोटो को हमने यहाँ पे सेव किया था वो फोटो यहाँ पे आ चुकी है ये वाली, तो इसके अंदर हम देंगे जो ग्रीन टोन देनी है हमारे को, क्योंकि हमारे को पीछे सनलाइट ऐड करना, या तुम येलो टोन भी दे सकते हो लेकिन ग्रीन टोन यहाँ पे बहुत बेस्ट लगेगा। ठीक है सिंपली मैं तुम्हारे को प्रीसेट दे दूंगा एक, तो उसको तुम सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो सीधा जो है तुम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है प्रीसेट को जैसे तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो ये टोन तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है तो ये टोन काफी बेस्ट लग रही है, ग्रीन टोन मैंने ज्यादा एडिट नहीं किया इसको, इतना रखते हैं। अब तुम्हारे को करना है थोड़ा सा यहाँ से टेम्परेचर को हल्का सा प्लस कर देना, ताकि थोड़ी येलो टोन भी आ जाए इसके अंदर, तो ठीक लग रहा है। देखो एक पॉइंट बढ़ाते हैं यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है ये, तो इतना रखते हैं। यहाँ पे तुम ग्रेडिंग पे जाके हल्का फुल्का यहाँ पे ग्रीन टोन या फिर येलो टोन की तरफ लेके जा सकते हो अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इतना रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा उसको, मैं इतना रखता हूँ उसको, मैं बैलेंस करके देख लेना कि कौन सी जगह पे सही लग रहा है, इतना ठीक है ये, यहाँ से डन कर देते हैं। अब जो अगर फेस तुम्हारा येलो हो जा रहा है तो यहाँ पे तुम्हारे को ऑरेंज वाले पे क्लिक करके ह्यू को थोड़ा सा माइनस करोगे तो ये रेड की तरफ हो जाएगा। ठीक है और यहाँ से तुम इसके अपने लिप्स वगैरह का कलर, जो भी रेड कलर तुम्हारी फोटो में वो तुम यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है ठीक है तो आई थिंक ये बेस्ट लग रहा है। तो टोन डल चुकी है, अब हमारी फोटो को हमारे को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से हम एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जेपीजी, यहाँ पे 100% पे हमारे को रखना है, और इससे हमारी फोटो हाई क्वालिटी में सेव होगी। तो यहाँ पे डन कर देना। अब इसके बाद में सीधा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करके प्लस पे क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ से ले लेना तुम। तो फोटो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है तो काफी बेस्ट लग रही है फोटो, यहाँ पे देख सकते हो जूम करके। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे बाल जो हमारे को सेट करना है सबसे पहले, तो स्टैंड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे रहने देंगे और साइज अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इतना रखता हूँ मैं। और अपने फोन को यहाँ पे मैं उल्टा कर दूंगा, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से मेरा हाथ चले, और यहाँ से हल्का हल्का मैं बालों को स्ट्रेंथ कर लूंगा। और यहाँ से तुम अपने बाल वाल जो भी तुम्हारे अगर इधर उधर बाल हो रहे हैं उसको तुम सेट कर सकते हो। ठीक है तो बाल सही है, बाकी तुम अपने कपड़े वगैरह भी यहाँ से सही कर सकते हो अगर कुछ इधर उधर हो रहा है तो। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे बिफोर आफ्टर मैं दिखा देता हूँ एक बार, बिफोर आफ्टर देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से बाल स्ट्रेंथ हो चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है ये। ठीक है अब क्या करना है, अपनी फोटो के अंदर हमारे को लाइट ऐड करनी है। ठीक है तो लाइट ऐड करने के लिए तुम्हारे को सिंपली अपना डाटा ऑन कर लेना है, मेरा डाटा ऑन है। तुम्हारे को जाना है यहाँ पे सीधा रिटच के बगल में आ रहा है यहाँ पे स्टीकर, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे तुमको सर्च करना है सनलाइट, सनलाइट पे तुम क्लिक करोगे तो बहुत सारी सनलाइट आ जाएगी, तो ब्लैक वाला ऊपर ऊपर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे तुमको ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे दिख रहा है ब्लेंड सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आएगा स्क्रीन, स्क्रीन पे क्लिक करना है, यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा लेना अपने हिसाब से अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। तो इतना मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ऊपर इरेजर पे क्लिक करेंगे और इरेजर का साइज मैं थोड़ा कम कर लूंगा, और जूम करके मैं इस एरिया से नहीं करूंगा रिमूव, बाकी इस एरिया से करूंगा ताकि ये एक साइड पे रहे और एक साइड पे नहीं। ठीक है क्योंकि इस साइड से लाइट आना जरूरी, थोड़ा इसमें रियलिस्टिक लगेगा ये काफी। तो यहाँ से मैं डन कर देता हूँ एक बार, तो काफी अच्छा लग रहा है ये। अब क्या करना है तुम्हारे को, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, लास्ट में दिख रहा है तुम्हारे को लेंस फ्लेयर, इस पे क्लिक करना है, बहुत सारे लेंस फ्लेयर तुम्हारे को मिल जाएंगे यहाँ पे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिसमें से मैं ये वाला यूज करता हूँ ये वाला चूज कर लेना है, एक को यहाँ पे ऊपर रख देना है, एक को नीचे स्क्रॉल कर देना है कुछ इस तरीके से, और हल्का रखूंगा मैं इसको, ना के बराबर रखूंगा, इसकी ऑपेसिटी मैं हल्की फुल्की कम कर लूंगा, इतना रखूंगा ज्यादा नहीं रखूंगा, अप्लाई कर दूंगा। ठीक है बिफोर आफ्टर देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से लाइट ऐड हो चुकी है और फोटो पूरी रेडी हो चुकी है। ठीक है अब थोड़ी बहुत कोई कोई जगह पे जो है डार्क एरिया हो रहा है उसको तुम मैनुअल भी यहाँ पे सही कर सकते हो। तो यहाँ पे टूल्स पे जाना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाना है, जैसे मेरे यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा डार्क लग रहा है गर्दन के यहाँ पे और थोड़ा आइस के यहाँ नीचे भी थोड़ा डार्क लग रहा है, तो ये सिंपली मैं हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा लूंगा, थोड़ा सैचुरेशन जो है वो मैं माइनस कर दूंगा और हल्का सा शेडो भी यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है ऊपर इरेजर पे क्लिक करना है, यहाँ पे इन्वर्ट कोने पे दिख रहा है इन्वर्ट, इस पे क्लिक करना है, रिस्टोर पे जाना है, ब्रश वाला जो आइकन है उस पे, और साइज अपने हिसाब से थोड़ा छोटा रख लेना, ज्यादा मत रखना। ठीक है तो जितना मैं रख रहा हूँ उतना रख देना तुम। ठीक है इतना करके यहाँ पे पेंट करना है इस तरीके से, पेंट करोगे तो देख सकते हो वो शेडो अपना आप यहाँ से हट जाएगी। ठीक है थोड़ा गर्दन पे भी कर लेता हूँ मैं, ओके
तो यहाँ से बिफोर आफ्टर दे सकते हो, यहाँ पे पूरी शेडो जो है वो खत्म हो चुकी है और काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हारे को क्या करना है, इफेक्ट्स पे जाना है। यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाने के बाद में यहाँ पे तुमको यहाँ पे एफएक्स में मिल जाएगा शार्पन, तुम्हारे को देख लेना है। यहाँ पे शार्पन थर्ड नंबर पे आ रहा है मेरा, शार्पन पे क्लिक करना है तो शार्पन से पूरी डिटेल आ जाएगी पूरी फोटो के अंदर। तो इतना ज्यादा शार्पन नहीं करना है, हल्का सा बढ़ा देना है इसको। तो 50-52 के तरफ तुम रख सकते हो, 50 या 60। तो यहाँ पे मैं 50 पे रख लेता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो फोटो देख सकते हो पूरी डिटेल आ चुकी है इसके अंदर। अब ये तो फोटो तुम इसको पोस्ट करोगे तो ये इंस्टाग्राम पे कंप्रेस भी नहीं होगी ज्यादा और HD क्वालिटी के अंदर ये जो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारे ड्रॉ टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को सेव करना। तो गाइस आई मेक श्योर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट अपनी नॉर्मल सी ऐसी फोटो को ऐसी फिनिशिंग कैसे दे सकते हैं और किस तरीके से तुम्हारे को कलर ग्रेडिंग करनी है, A to Z सारा कुछ बता दिया है। साथ ही तुम्हारे को एडिटिंग से रिलेटेड तुम्हारे को वीडियोस चाहिए अगर और तो नीचे तुम कमेंट कर सकते हो कि तुमको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, वीडियो एडिट चाहिए, फोटो एडिट चाहिए, एक्सेट्रा कुछ भी। और साथ में जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूँ, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।